हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश परिडे आपको गुए ऑफ सक्सेस को स्वागत जनाऊँ। ए वीडियो रे आम देखा कि ओ ट्रिपल एस एस सी पी यू जे डे सिक्स क्लास रहा है। ओके, ये आम सिंपल इंटरेस्ट देखा। ओके, तो आ पूर्व जहाँ भी वीडियो रही है से गुड़ी देखी दिंतु। मैथमेटिक्स मैंने प्रति चैप्टर रेत प्रकार क्वेश्चन हो पारे मुझे सब क्वेश्चन नहीं आसो तर 100% क्वेश्चन आसो। ओके, 35 क्वेश्चन रुदी पाइज पाखापाखि 30+ क्वेश्चन आसीज। ओके, तो बाकी रहा जदि मॉक टेस्ट देवा चाहते तेल ई गुरु आप्लिकेसन को डाउनलोड करूँ। आप्लिकेसन अच्छी आम डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कालापर से चूज करेंगे कौटा ना पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर एंड जूनियर असिस्टेंट से चूज करेंगे से 150 टाँग अच्छी। 150 टाँग में 18 मॉक टेस्ट अच्छी, 8 ऑनलाइन टेस्ट रहा, 10 ऑफलाइन सेट रहा। ऑलरेडी 4 ऑफलाइन सेट मैंने 8 ऑनलाइन सेट अपलोड सरी, 4 ऑफलाइन सेट अपलोड सरी का गोटे अपलोड हो 5 15 तारीख कि 20 तारीख भितर आम 10 ऑफलाइन सेट हो आपको प्रॉपर टाइम मिले पढ़ापी प्रैक्टिस करने। ओके, तो से सब गुडा देख। नेक्स्ट जदि आम क्वेश्चन को जी फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। ओके, कौन दे मैंने केते टंका हमें सिंपल मैंने मनी गोटे बंधा रखा जोटा बंधा रखापर आमको सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से 6 मस को 150 टकर इंटरेस्ट मिल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। तो 4% मैंने कौन वर्ष को हूँ 1 ईयर को हूँ 4%। ओके, से कही केस 6 मस मैंने 6 मंथ के 2% रही तार अधा हो मैंने ये 2% आमको दे दीजिए 150 टाँग। ओके, आ पचारि 100% जोटा कि प्रिंसिपल पचार प्रिंसिपल 100% के 2 × 75 * 75 कर दि 75 100। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहा ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टू 7 / 3/4% मैंने आगुरी 8% थी एवं हो जाए 7 / 3/4% मैंने 1/4% कमीगला। हिज इयरली इनकम डिमिनिस बाय 61.50 मैंने इयरली तार कमीगला ता इनकम के 61.50 मैंने ये जापरला ना नहीं 8 / 7 / 3/4 गले रहा 1/4 तो 1/4% कमी जाए 1/4% हो गला 61.5 तेल 100% के नर्माल जिनस रहा 1% के जॉइन टू 4 कर दि 61.5 × 4 करदे ये होगा 1% 100% करा गया ला इनटू 100। ओके, तो ये केते हिजो 61 ये 4 पहले 6 चौक 24 240 244 ये हिजो 2 244 ले 246 246 आ ये रहला 00 246 रे 00 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 720 आफ्टर 2 इयर्स त माने केते टा प्रिंसिपल दिया है आम जाने। ओके, प्रिंसिपल टा 2 वर्ष के 2 ईयर हो जाए 720 एंड 1220 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर तो मैंने 2 वर्ष यहाँ आई 5 वर्ष पर 8 / 5 वर्ष मैंने 7 वर्ष। ओके, टोटाल हो गाला 7 ईयर 7 ईयर हो जाए 1020 आ भितर गैप के जोटा दे 5 ईयर तो मैंने 5 ईयर रही बढ़ला के देख लजार 720 1020 होगा मैंने 300 टाँग बढ़ला ना ना तले वर्ष को कैसे बढ़ला सिंपल इंटरेस्ट सब वर्ष सेम सेम बढ़ी थाए है किंतु कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऊपर आउ इंटरेस्ट पड़े से एक्स्ट्रा बढ़ी थाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट को छाड़ तो जो बढ़िया बढ़िया सिंपल इंटरेस्ट सब वर्ष सेम सेम बढ़िले 5 वर्ष जो 300 बढ़ी तेज़े वर्ष को कैसे टाँग बढ़ 60 टाँग लगे बढ़ ना ना जब वर्ष को 60 ये 2 वर्ष के बढ़ी थो 2 वर्ष 120 बढ़ी थो तो 2 वर्ष 120 जब आम फेड आने करदे प्रिंसिपल पाइजे ना ना प्रिंसिपल के 600 टाँग तेल आसगला 10 सम के सम हो गला 600 टाँग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ए लेंट 5000 टू बी ए देला बी को केते टाँगा 5000 टाँगा देला। ओके, फॉर 2 इयर्स मैंने आपको देला 2 इयर पर आउ सी को देला तो सी को देला 3000 टाँगा फॉर 4 इयर्स एमती न लिखिकी रुह एटा बी को देला एटा सी देला बी को देला 5000 टाँगा 2 वर्ष आपको देला 3000 टाँगा 4 वर्ष। ओके, अन सिंपल इंटरेस्ट
एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जति की इंटरेस्ट रे देछि ताको भी सेति की इंटरेस्ट देछि इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ द इंटरेस्ट त माने 8 गुना दिजन जको तो मिसि की 2200 डॉलर पाइला ओके तापले तापर पचर छि जे रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हो ओके देखो एटा को हम दिटा उपाय कर परबा आइदर ऑप्शन रो नै कर परबा नहले रेशियो मेथड रे भी कर परबा रेशियो मेथड रे केमदी करबा मन कर 5000 टका ये 2 वर्ष तहले टोटल टाको एडा को हम केते नै परिया 10 नॉर्मल गुणन कर 10 आकु गुणन करले ये किछ 12 माने 10000 12000 तो रेशियो ये होले केते हिजो 5:2 तो 5:2 होले आ देरु सॉरी सॉरी 5:6 सॉरी 2 कोन लिखले रे 5:6 ओके तो टोटल हे गेला केते त माने एथरु 5 टका सुद्ध आसीबो सी रु आसीबो 6 टका सुद्ध टोटल सुद्ध हिजो केते 11 टका 11 टका टा हमको देछि 2200 ओके पचार छि कहार द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पचार छि तो जदि 11 टका हला 2200 तले 5 टका केते हिजो 1000 ना नै ओके 5 टका हिजो 1000 6 टका हिजो 1200 त माने से पचार छि कोन 5000 टका रे 5000 टका रे त बारे हमको 2 वर्ष को तले हे गेला 1000 टका तले वर्ष को हिजो 500 टका तले वर्ष को जदि 5 टका हला 5000 टका रे वर्ष को 5 टका हला सुद्ध केते परसेंट है 10% कि नहीं ओके एटा को एपट को नै कर कर परिले भी हबो ओके जेंते 5 टका को हला 1000 ये 6 टका को हिजो केते 1200 1200 तर माइनस कर देले केते हिजो 2800 होला 2800 टका तो 2800 टका हले रो 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 सॉरी सॉरी 2800 नै ये रहला 4 वर्ष रे 1200 टका टा हला 4 वर्ष रे हले वर्ष को ताले केते हिजो वर्ष को हिजो 300 टका ओके 300 टका हले 3000 टका रे 300 टका केते परसेंट 10% नै तो एपट कर कि एपट कर आंसर आसी जो 10% ओके नेक्स्ट जीवा इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12900 एंड 14250 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर रेस्पेक्टिवली एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट केते सेम जिंस करिवा हमें 4 वर्ष रे होची फोर्थ ईयर 4 वर्ष रे होची 12900 टका 5 वर्ष रे हे जाउची 14250 टका तले बढीला केते टका ये देखो 13000 हेले ये रहला 1250 100 1350 टका बढुची वर्ष को वर्ष को जदी 1350 टका बढुची तले 4 वर्ष रे केते टका बढिथे इनटू 4 कर दियो 5 20 ये रहला 00 5 20 02 तापर रहला 13 को 52 2 54 त माने 54 टका बढिथियो जदी 54 टका बढिची ताले ये रहले कोन माने मूल केते हेथियो 12900 माइनस 54 टका होचे तर शुद्ध ओके तो 54 टका शुद्ध हले ये रहले 500 12 5 हले 7 त माने तर मूलधन होचे जोटा प्रिंसिपल प्रिंसिपल हले हमरा 7500 7500 टका रे वर्ष को शुद्ध ताले केते 1350 टका तो 1350 डिवाइडेड बाय 7500 इनटू 100 आओ ये केते परसेंट पाई जा तो डबल सेन को डबल सेन कटि गेला 75 हेले ये केते कटियो 15 75 ये रहला 15 9 135 90 तो 5 रे कटले 18% 18 5 90 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर इज 840 तो 8 वर्ष रे ना 5% लेखे हेले 40% हे गेला तो ए 40% टाक दे दीजिए 840 ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर व्हिच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड माने सही जो 840 टका रिसीव होबो ऑन द सेम सम सही सेम सम रे आफ्टर 5 ईयर ओके ताले इंटरेस्ट टा केते होबो त माने ए 840 टका टा पाइबा 5 वर्ष रे पाइबा ओके तो 5 वर्ष रे पाइले ताले 840 बाय 5 केते हिजो अ ए जे केते 5 के 5 3 4 एले 6 5 30 8 ताले वर्ष को हमरा सुद्ध हिजो केते न 168 टका अरे अरे एते कथा बाहर करिया दरकार नै ओके एमिति नॉर्मल मेथड रे भी करले हबो केमिति ना 40% हले 840 हले 100% बाहर कर दबो सेतरो इना बाहर जे हमर कोन प्रिंसिपल त प्रिंसिपल बाहर गेले हमर पचार छि प्रिंसिपल रे 5 ईयर केते हबो तो 5 ईयर रे जो सॉरी 840 टका होची ताले केते परसेंट सेटा तो नॉर्मल वे रे बाहर जे पीटीआर बाय 100 करले बाहर जे नहले एटा देखो 840 टका बाहर छि 8 वर्ष रे 5% रे त माने 8 5 40 से 5 वर्ष रे त
ତାହେଲେ 8% ହିସାବ କରିଦେଲେ 8 45 ହେବ ନା ନାହିଁ, ସେ 840 ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 8% ହିଁ ଦରକାର ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ 8 58 ଇୟର ଦେଇଦେଇଥିଲା, 5% ଦେଇଦେଇଥିଲା ଆମକୁ, ଏପାଳି ପଚାରିଛି 5 ଇୟର ତାହେଲେ 8% ହବ ନା ନାହିଁ, ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଇ 40 ଆସିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଆମର 8%, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ସମ୍ ଅଫ 2800 ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ବୋଥ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତାମାନେ 2800ଟାକୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମ୍ ହବ। ଇଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଲେଣ୍ଟ ଆଟ୍ 9% ପର ଆନମ୍ ଫର 5 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମନେକର ଏ ବି ଦୁଇଟା ଦେଲା ହେଲା, ଏ ଆଉ ବି, ଏ ର 9% ପର ଆନମ୍ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ର 6 ଇୟର ପାଇଁ 10% ପର ଆନମ୍। ତାମାନେ ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ 45 ଯାହା ହବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟୁ 60 ସେଇଆ ହବ, 15 3 45 15 4 60। ତାମାନେ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଯିବ, 4:3। ତାମାନେ ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4:3। ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 7 ହେଇଯିବ, 7ଟା ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି 28, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଦେଇଛି 28 ନା, ପଚାରିଛି କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୁ ସମ୍, ଦୁଇଟାଙ୍କ ତାହେଲେ 7 4 28 ହେଲେ 4 4 ଇଏ ହେଇଯିବ 1600, ଇଏ ହେଇଯିବ 3ଟା ହେଇଯିବ 1200, ଗୋଟେ 1600 ଗୋଟେ 1200 ଗୋଟେ ହବ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା କି ଅରୁଣ ଲେଣ୍ଡସ 20,000 ଟୁ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାମାନେ ଅରୁଣ ଦୁଇଟା ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତ ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲା ହେଲା, ଜଣକୁ ଦେଲା ହି ଗିଭ୍ସ 12,000 ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟ୍ 8% ପର୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଜଣକୁ 12,000 ଦେଲା, ଜଣକୁ ଏ ମନେକର ଏ କୁ ଦେଲା 12,000 ଟଙ୍କା 8% ସୁଧାରେ। ଓକେ, ଅରୁଣ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ 10% ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ସୁଡ୍ ଲେଣ୍ଡ ଦ ରିମେନିଂ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାମାନେ ବି କୁ ସେଇ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେ କହୁଛି କି 10% ଲାଭ ପାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ସବୁ ଜାଗା, ଆମେ ଏଇ 20,000 ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଖାଲି 12 20 8 ଏଇ ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା 12 12 8 ମାନେ 8 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 96। ଓକେ, ତାକୁ କେତେ ଦରକାର, 10% ତାକୁ ଲାଭ ଦରକାର, 10% ହେଲେ 20 × 10, ତାମାନେ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦରକାର। ଓକେ, ସେଥିରୁ 12 96 ତାକୁ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଦରକାର ତାକୁ କେତେ ହଉଛି 104 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦରକାର ହଉଛି, ତ ଏ 8 ହେଇଗଲା 104 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 8 × 8 2 4 8 3 24, ତାମାନେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ 13%, ଏ 13% ହିସାବରେ ଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ 104 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର 13%। ଓକେ, ତ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ଏ ସମ୍ ୱାଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫର 2 ଇୟର୍ ହେଲା, ରେଟ୍ ବି ଦେଇନି କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ଦେଇନି, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଲଗେଇଲା, ହାଡ୍ ଇଟ୍ ବିନ୍ ପୁଟ୍ ଆଟ୍ 3% ହାୟର ରେଟ୍, ଯେତିକିରେ ଲଗେଇଛି ତାଠୁ 3% ଯଦି ଅଧିକ ହାୟରରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତା, ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ଫେଜ୍ଡ 72 ମୋର, ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହିଦେଇଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଗେଇଛି, 3% ଯଦି ହାୟର ହେଲା 3 × 2 ହେଲା, ତାମାନେ 6% 2 ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ମିଳିଯିବ, ତ ଏଇ 6%ଟା ସେ ଦେଇଦେଇଛି 72, 3%ଟା 60% କାରଣ 2 ଇୟର ଦେଇଛି, 6%ଟା ଯଦି 72 ତାହେଲେ ସମ୍ ପଚାରିଛି ସମ୍ ମାନେ 100%ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 1200 × 12 ତାହେଲେ 1200 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1200 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ଅପସନ୍ 1 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏ ସମ୍ ଅଫ 10,000 ଇଜ୍ ଲେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ଆଟ୍ 8% ଆଣ୍ଡ ରିମେନିଂ ଆଟ୍ 10% ପର ଆନମ, ଅଧା 10,000 ଥିଲା ତାକୁ ଅଧା ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟାକୁ 8% ଗୋଟାକୁ 10%। ଇଫ୍ ଦ ଇୟରଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ଇଜ୍ 9.2% ଦେନ୍ 2 ପାର୍ଟସ୍ କେତେ ହବ, ଏଇଟା ତ ଆଲିଗେସନ୍ରେ ପକେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି 8% ଦେଲା, ଗୋଟାକୁ 10% ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ମିଶିକି 9.2% ପାଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ କାହାକୁ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇଏ ରହିଲା 0.8, ଇଏ ରହିଲା 1.2, ତାହେଲେ ରେସିଓ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4 2:3 ରେସିଓରେ ଦେଇଛି, 3 2 5 ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିକି 5ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ 10,000, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6,000, ଇଏ ହେଇଯିବ 4,000। ଓକେ, ତ 4,000 ଇଏ ହେଲା 6,000, ଅପସନ୍ 1 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଯିବା ଆମେ,
ए पर्सन बोरो सम मनी फॉर 5 इयर्स एंड लोन अमाउंट इज टू टोटल इंटरेस्ट अमाउंट ए पर्सन बोरो सम मनी फॉर 5 इयर्स माने 5 वर्ष पई गोटे लोन आनेला लोन अमाउंट जी रहा आउ तार टोटल इंटरेस्ट जी हूँ तार रेसियो हो 5:2 तमाने अमाउंट इज टू इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5:2 दे दी द रेसियो ऑफ लोन अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट के हम तेल हाँ सी कथे मन कर लोन अमाउंट आनी चे 100 टका आनी चे 100 टका आनी ले 20 टका तेले सॉरी 5:2 हेले केते हि जे कि इयर 20 50 100 इनटू 20 कर देले हमरा 40 टका रहला सुध ओके 5:2 रहला हमरा 40 टका से सुध पाउछ 40 टका सुध पाउच ये केते वर्ष रे पाउच 5 वर्ष रे 40 टका पाउच तले वर्ष को केते रहला बाय 5 तमाने 8 टका सुध पाइला 8 टका सुध पाइले 10 टका 100 टका रे वर्ष को रहला 8 टका तले रेशियो केते हि जो 100:2 पचार छै ना द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट रहला 100 आउ इंटरेस्ट रेट रहला 8 तले काटि देले केते हि जे 4:25:2 त आंसर आसी जो कोड ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट रहला इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16 फुल 2/3% पर एनम द प्रिंसिपल हम त जानि छै सदा 100 त वर्ष को हो जे 16 फुल 2/3% ताको मिलु छै तले केते वर्ष रे से 100 हबो त डायरेक्ट डिवाइड कर दबो 16 फुल 2/3 हो 53 48 49 50/3 इज इक्वल टू 100 × 3/50 काटि दियो 2 × 3 = 6 इयर्स तक लागियो ओके तो नहीं जदि के जानि थियो जे एटा 16 फुल 2/3% होय 1/6 तले डायरेक्ट लिखि दो 6 इयर्स तक लागियो ओके ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 इयर्स 10 इयर्स एंड 12 इयर्स ओके गोटे लोक तीनटा स्कीम रहला ए बी सी गोटा के 6 वर्ष लगेला आ गोटा 10 वर्ष लगे आ गोटा 12 वर्ष लगे ओके तो से इंटरेस्ट के 10% जन 10% आ जन 12% आ जन 15% ओके सिंपल इंटरेस्ट रेट रे लगे एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट समस्त ना इंटरेस्ट कि सामान पाँच ओके द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एटा रहा ये टाइम तापर एटा रहला माने इन्वेस्टमेंट माने प्रिंसिपल पी टी ये रहला रेट ऑफ इंटरेस्ट आ ये टोटल रहला एसआई आउ हला एसआई रो रेशियो दे दीजिए समस्त हमरा समान है 1:1:1 ओके ताले रेशियो केते बेले समान हे जे ताले हमरा ए प्रिंसिपल रो रेशियो केते आसी जो एटा 1 टोटल आसी होला 1 ये 10 माने 10 को 60 माने ये आसी होला 1/60 इज टू ये आसी जो 1/120 ये आसे जो 1/1220 80 हला 100 आसे हला ताले हमर रेशियो केते आसे 1/60 = 1/120 = 1/180 ओके तो एलसीएम ने गेला हमर केते आसे जो 360 360 हला 60 डिवाइड करले 6 120 रे डिवाइड करले 3 180 रे डिवाइड करले 2 तो 6:2:3 तो आंसर हमर आसे जो ऑप्शन कोडा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट होची 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम जति की नंबर हेथिबो इयर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेति ओके द रेट रेट पर एनम केते हो ओके तो देखो ये जो 1/9 है जे 1/9 माने कौन कते परसेंट 1/9 माने 1/9 माने हो 11 फुल 1/11% ओके सॉरी कते रहला 11 फुल 1/9% जदि जानी होने तले 100 डिवाइड कर देन तो जानी पर ओके 11 फुल 1/9% ता माने कते जो 11 9 100 सेम कथा हला 100/9% हला 100/9% ता हमें कोठु पाई परबा ए मानक भीतर देखो कारण दुटा गुणन करिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम तमें यहाँ पर 3 × 3 करदे तो 9 हो 3 × 3 कले 9% आसीज ठीक ना नहीं जो यहाँ 1/3 करवा 1/3 × 1/3 के 1/9 आसीज ये अच्छे के 3 फुल 1/3 तेज 3 9 10/3
दस बै तीन इंटु दस बै तीन इजिक्वल टू के देख शहे बै 9% ताले आंसर आसीगला ना नहीं हमको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी सर्टन सम फॉर 8 मंथ्स एट 4% पर एनम इज 129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ्स एट 5% पर एनम तो 8 मंथ 4% पर एनम वर्ष को यदि 4% हैला ताले 8 मास रे केते परसेंट हबो सॉरी 12 मास को रहला 4% ताले 8 मास को केते रह जा 4/12 × 8 चार तीन की ताला 8/3%। ओके तो 8/3% हाँ ये रहला 8/3% 8 मंथ पे ये रहला 15 मास पे ना 5% लेके केते हि जा तो वाला 12 मास को जदी रहला 5% ताला 15 मास को केते हि जा 5/12 × 15। ओके तीन रे कटले 5 तीन रे कटले 4 हला 25/4% तो ये हला 8/3% थिला ये हला 25/4% ए मानक भीतर डिफरेंस केते रहला तो एलसीएम हे गेला केते 12 तो 8 × 32 − 25 = 75 उल्टा हे लागि एटा एटा माइनस करे ना 25 हेले 25 25 75 माइनस 32 करा। ओके 75 − 32 इज इक्वल टू केते आसी जो 75 − 32 25 गले रहला 50 रहला 12 सॉरी 7 रहला 43 by 12% रहला जोटा कि रही हमारे के 129 देखे ना डिफरेन्सटा 129 मैंने 43 × 3 देखे इंटु तीन एट इंटु 12 हाँ। ओके ताले अमर केते आसी जो 100 टा केते आसी जो 32 की 36 गुणन करबो। ओके 36 गुणन करले 100 रे 36 गुणन करले केते आसी जो 3600। ओके नाही जदी जानी होने देखो 43/12 टा दे देला केते 129 ताले 43 टा केते हे गेला 129 इंटु 12 आ ताले 100 टा केते हिचो 129 इंटु 12 इंटु 100 डिवाइडेड बाय 43 43 ये रहला 3 की पार्टी 36 इंटु 100 रहला 36। ओके नेक्स्ट जीवन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर व्हिच ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 इयर्स तो 8 वर्ष रे तार 5 टाइम्स हे जो तो 8 वर्ष रे सिंपल जो हमर प्रिंसिपल ता हे जो 5 टाइम त माने प्रिंसिपल अगुरु थिला केते 100 एबे तले केते हे जो 500 तले इंटरेस्ट बढला केते 400 टका बढला तो 8 वर्ष रे जदि 400 टका बढला ताले वर्ष को केते टका बढथिया 50 टका बढथिया ना नहीं जदि वर्ष को 50 टका बढथिया ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 टका रे जदि 50 टका हला ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट केते इज 50% ना नहीं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जे ए सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन द 5 इयर्स and at a different rate becomes 3 times in 12 years the lower rate of interest per annum kete ho to jodi gote sum mane principal 100 ta jodi 5 barsha re double hoche okay 5 barsha re double interest doubles mane 200 taka hoche 5 barsha re okay 5 year lagi jauchi ako tale badhuchi kete 100 taka 5 वर्ष रे 100 टका हले वर्ष को तले केते टका हिजो 20 टका बढला त माने रेट ऑफ इंटरेस्ट हले 20% सेकंड जिंस टका कोन कहिछे सेम सम त माने सही 100 टका 12 वर्ष रे होउछि 3 टाइम्स हे जाउछि 3 टाइम्स माने 300 टका हे जाउछि तले बढिला केते माने एक 12 वर्ष लागुछि 12 इयर बढुछि केते 200 टका बढुछि त 12 वर्ष रे 200 टका बढिले तले वर्ष को केते हला 200/12 12 के 12 तापर रहला केते 800 वर्ष को 72 72 रहले रहला केते 8/12 ताले इडा काटिले केते हो छे 16 फुल ये रहले 2/3% त ए मन को भीतर लोएस्ट के 20 टा सन ना 16 फुल 2/3 टा सन तो 16 फुल 2/3 और आंसर आसे जे हमरो 4। ओके फॉर व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट आर परसेंट फॉर एनम फॉर 2 इयर विल बी आर। ओके तो एस आई जो आम जान पीटीआर बाई 100 पी मान एस आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100 तो सिंपल इंटरेस्ट के आर दे दीजिए
इज इक्वल टू आर परसेंट देखिए प्रिंसिपल के देखिए फॉर व्हाट्सएप हमको प्रिंसिपल जाने ना है प्रिंसिपल के हमको जाने ना ओके ताबला टाइम दे दीजिए 2 ईयर इनटू 2 आर परसेंट दे दीजिए आर बाय 100 ओके ताले ए हमरा पी टा को एपट रखी कि बाकी आर पट को सब नै जो यदि एटा 100 टा आर पट को नेले एटा दुई रे काट दियो दुई रे काट ले ये रहला 50 50 हेले 50 आर बाय ये रहला आर 50 आर बाय आर तो आर आर कटि गेला ना नै बाकी रहला पी इज इक्वल टू केते पी इज इक्वल टू 50 आंसर आसे जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 50 नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अलिप्ता अलिप्त अलिप्त गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हर फादर ता बापा गडे ना किछि पैसा नेला इन हाउ मेनी इयर्स विल द रेशियो ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेंड फ्रॉम इट टू बी 10:3 ता माने जो मन कर से 100 टका नैथिला 100 टका टा नै कि केत्ते वर्ष पारे तार जो 10:3 हेले 100:30 ता माने 100:30 हबो ता माने 100 टका टा जो नहीं थिला ताको केत्ते वर्ष पारे 30 टका हबो एट द रेट ऑफ 6% पर सिंपल इंटरेस्ट तो जदि वर्ष को 6 टका 6% हैला ताले केत्ते वर्ष रे से 30 टका हबो ताले 5 इयर लागिया ना नहीं पूरा नॉर्मल क्वेश्चन अछि तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द प्रिंसिपल व्हिच गिव्स वन इंटरेस्ट पर डे एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ताले केत्ते हबो ताले दिनु को इंटरेस्ट दउछे केत्ते टकाटे ताले वर्ष को इंटरेस्ट केते देबो 365 टका इंटरेस्ट देबो ना ने जे 365 टका इंटरेस्ट दउछे सेइटा कोछे से 5% जदि 5% रहला 365 टका ताले 100% टा केते ए रहला इनटू 20 कराय छै ताले एथरे इनटू 20 करतियो 20 हेले एरा दिगुण कर देले केते हिजो 600 720 730 ओके 730 रे गोटे सु ल ताले आंसर आसी जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5200 इन 5 इयर्स एंड 5680 इन 7 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट केते तले को तले 5 वर्ष रे केते होजे 5200 टका ओके 5 वर्ष रे एटा रे 5 इयर 7 इयर रे केते होजे 5680 ओके डिफरेंस केते रहला 480 टका 480 टका ए मानकर इयर डिफरेंस केते रहला 2 इयर ओके तबे 2 वर्ष रे होचे 480 टका तले वर्ष को केते हे गेला 240 टका ने नै जदी वर्ष को 240 टका तले 5 इयर केते टका हेतियो 24 5 120 तबे 1200 टका तले 1200 टका 5 वर्ष रे शुद्ध हेचे टोटल अमाउंट होचे 5200 तबे खाली प्रिंसिपल केते हेतियो 5200 रो 1200 माइनस कर देले 400 टका प्रिंसिपल हेतियो सॉरी 4000 टका तो 4000 टका प्रिंसिपल ओके तो वर्ष को शुद्ध होचे केते टका 240 टका तले रेट ऑफ इंटरेस्ट केते रहियो 240 बाई 4000 इंटू 100 ओके दीटा शून कटला ये गोटे शून ये गोटे शून कटला चार 6% पर आनम ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ए पर्सन डिपोजिटेड 400 फॉर 2 इयर्स 550 फॉर 4 इयर्स 1200 फॉर 6 इयर्स ही रिसीव द टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1020 ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट केते एमती आम नर्माली हिसाब कर दि 400 टाक जदि 2 वर्ष कला तेज मन कर 40 शून शून शब्द गोटे गोटे काटिद है तो 400 सॉरी 40 टाक 2 वर्ष कले मन कर 80 टाँह पाइला 55 टाक 4 वर्ष कले के 220 टाँह पाइला ओके 120 को 6 वर्ष कले 1272 720 टाँह पाइला सब जगह मिसेल ये 940 ये रहा 8 ना 1220 तो कौन 1020 टाँह पाइले तो यहाँ को आम 400 टाक आम 40 नहीं सब गोटे गोटे शून कटे शून गोटे गोटे बढ़ाई दिव ये रहा गोटे शून तो ये एतिकटा हो जाए एक्चुअली आम जो पाइले यहाँ हूँ के 1020 तेल 100 टा के ये परसेंट आसीज ये आसीज यार 10% ओके परसेंट पचार 10% ओके नेक्स्ट जीवा हमें इफ एक्स वाई जेड आर 3 सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स वाई होचे सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई अच्छा वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एक्स रे सिंपल इंटरेस्ट होचे वाई तापर वाई रे सिंपल इंटरेस्ट होचे जेड ओके फॉर द सेम टाइम
एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देन रेशियो केते हो। अच्छा नॉर्मल आम जब नहीं मन कर 100 टका थी 100 रे से 10% रे वर्ष को सुधा है 10 टका 10% मन कर आर 10% रे सुधा होगा कैसे टाटे ताले ये रेशियोटा कौट देख हाँ ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स कौट देख ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स एमती परसेंटेज रे भी एम गोटे क्वेश्चन करते वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स आसाला ओके देखीदेव टे लास्ट क्वेश्चन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट व्हिच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन कैपिटल फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ओके एडा भी नॉर्मल कथा 5% 2 वर्ष रे सुधा 5% रे 2 वर्ष रे सुधा जहा 1 ईयर रे सुधा केते परसेंट सुधा रे ना हो तो नॉर्मल कथा अछि तो केते ये रहला 10 एथरे ना हम 10 हले x 10% हेती हो ओके okay. तो 10% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके एते इतला सिंपल इंटरेस्ट रे जति की माने क्वेश्चन रहितला बाकी आउ जहाँ भी मन कर अलग क्वेश्चन आसला कि टिके टफ लेवल रो क्वेश्चन तो से सब हम सेट जते बेला करिया 15 की 20 तारीख आडो पाखा बाकी हम सेट करिया ओके तो सेट बेला को सेट रे डिस्कशन करिया ओके यदि वीडियो डी भल लागत त लाइक करन त संग मन के सहित शेयर करन त सब्सक्राइब यदि करिना त सब्सक्राइब कर दे थैंक यू।